Hello students, welcome back to this channel. In the previous video of the chapter Computer Hardware, we have studied about input devices. I hope you are all clear. Now let's do further reading, that is Computer Hardware, and the topic is Output Devices. The output devices are used to display the result of processing to the user. For example, monitor, printer, speakers, plotter are output devices. Output devices kya hote hain? जो आपका डाटा प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट हमें किस पे मिलता है? आउटपुट डिवाइसेस पे. जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब आपके क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है. ओके, फर्स्ट वन इज मॉनिटर. मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. द एक्शंस दैट यू परफॉर्म यूजिंग अ माउस और अ कीबोर्ड आर डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर. मॉनिटर जो होता है आपका टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है. जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हैं माउस की हेल्प से या कीबोर्ड की हेल्प से, वो सारे के सारे एक्शन आपको किस पे दिखाई देते हैं? मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होते हैं. ठीक है, यू कैन ऑल्सो व्यू पिक्चर्स एंड कार्टून्स यूजिंग द मॉनिटर. आप मॉनिटर के ऊपर कार्टून भी देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं. ठीक है, मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज VDU. VDU स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट. मॉनिटर को VDU भी बोला जाता है. VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब कि वो चीज़ जिस पे आपको कोई चीज़ डिस्प्ले होती है, कोई चीज़ आपको दिखाई देती है. मॉनिटर्स दो तरह के होते हैं, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स CRT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर्स TFT. ये दो तरह के मॉनिटर होते हैं. ठीक है, पहले CRT हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे से हुआ करते थे वो आपके जो PC से पहले. ठीक है, जो मॉनिटर स्क्रीन थी. आज के टाइम में हम ज़्यादातर TFT यूज़ करते हैं. दोनों में जो डिफरेंस है, जस्ट एक वर्जन है. ठीक है, पहले टाइम में जो ड्रॉबैक्स हुआ करते थे वो फिर आगे ओवरकम होकर इसका नया वर्जन आता है. सेकेंडली, जो क्वालिटी थी वो बेटर करते हैं. ठीक है, तो जो इस ये आपका TFT है, एक तो ये थिन होते हैं, ठीक है, पतले होते हैं, प्लस में इसमें एक चीज़ और होती है कि जो क्वालिटी है आपकी इमेज की, पिक्चर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेटर कर रखी है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्रिंटर. अ प्रिंटर ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन दैट यू सी ऑन अ मॉनिटर ऑन टू पेपर्स. प्रिंटर का क्या काम है? जो भी आप इन्फॉर्मेशन मॉनिटर के ऊपर देखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको पेपर के ऊपर मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर. द प्रिंटेड पेपर इज कॉल्ड द प्रिंट आउट. फिर जो आपको वो प्रिंटेड पेपर मिलता है उसको हम प्रिंट आउट बोलते हैं. सम प्रिंटर्स कैन प्रिंट ओनली इन ब्लैक एंड वाइट वाइल अदर्स कैन प्रिंट इन एनी कलर. कुछ प्रिंटर्स होते हैं जो आपको ब्लैक एंड वाइट देते हैं, आपको कोई दूसरा अदर कलर नहीं मिलेगा. और कुछ प्रिंटर होते हैं जो कलर्ड आपको कॉपीज भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स अवेलेबल इन द मार्केट. मार्केट में बहुत तरह के प्रिंटर्स अवेलेबल है. ठीक है, जैसे कि आपके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंकजेट है, लेज़र प्रिंटर है. इसमें से जो सबसे बेस्ट जो आपका प्रिंटर है वो होता है लेज़र प्रिंटर. ये बहुत ही फास्ट काम करता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रिंटर्स. ठीक है, आज के टाइम में मतलब सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट है वो आपका ये लेज़र प्रिंटर है. सी, दिस इज़ अ लेज़र प्रिंटर. नाउ नेक्स्ट वन इज स्पीकर्स. यू कैन लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स यूजिंग स्पीकर. स्पीकर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? म्यूजिक को सुन सकते हैं. किसी भी तरह का कोई भी साउंड इफेक्ट हो वो सब आप सुन सकते हैं स्पीकर पे. द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लॉटर. प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज डिजाइन टू प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस चार्ट्स, ड्रॉइंग्स, मैप्स, थ्री डायमेंशनल इलस्ट्रेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ हार्ड कॉपी. प्लॉटर का भी वैसे काम वही आपका प्रिंटर की तरह ही होता है ऑलमोस्ट, बट इसमें क्या होता है, 3D पिक्चर्स को भी आप इसमें मतलब 3D पिक्चर प्रोड्यूस हो सकती है, तो उसका भी पेपर आपको मिल जाता है 3D. ठीक है, और उसके अलावा कोई भी हार्ड कॉपी, जैसे आपका जैसे प्रिंटर में हार्ड कॉपी मिलती है. आपको हार्ड कॉपी क्या किसको बोलते हैं? हार्ड कॉपी होती है जैसे जो आपको मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई देता है उसको अगर वो आपको पेपर पे मिल जाए तो वो आपकी हार्ड कॉपी हो गई. ठीक है, तो इसका भी वही काम है. ये चार्ट्स है, ड्राइंग्स है, मैप है, कोई भी 3D कोई भी पिक्चर हो उन चीज़ों को ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है एक पेपर के ऊपर, जो आपको फिर क्या मिलती है, हार्ड कॉपी की तरह आपको मिल जाती है. द नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम यूनिट. द सिस्टम यूनिट इज एक्चुअल कंप्यूटर. एवरीथिंग एल्स इज अ पेरिफेरल डिवाइस. जो आपका क्या है, सिस्टम यूनिट है, वो एक्चुअल में कंप्यूटर आप उसी को बोलते हैं. सिस्टम यूनिट ही आपका कंप्यूटर है, क्योंकि सिस्टम यूनिट के हेल्प से ही सारा प्रोसेस जो होता है सब कुछ सब आपके किसकी हेल्प से होता है, सिस्टम यूनिट की हेल्प से. बाकी सब जो भी आप पढ़ रहे हो, ये प्लॉटर, प्रिंटर, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, सब पेरिफेरल है. पेरिफेरल मतलब पार्ट से ही आपके डिवाइसेज है आपके. ठीक है, द कंप्यूटर सिस्टम्स यूनिट हैज एटलीस्ट वन फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. जो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होती है, एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है. इट हैज़ DVD ड्राइव इनटू विच यू कैन इंसर्ट DVDs. एक इसमें DVD ड्राइव होता है जिसमें आप कोई भी DVD को आप प्लेस कर सकते हो, रख सकते हो. उसके अलावा फ्लॉपी
floppy drive hoti hai and DVD drive are referred as to as removable drives. Jo floppy drive hoti hai, jo DVD drive hoti hai na, inko aap bahar bhi remove kar sakte ho, matlab bahar bhi nikal sakte ho aap inko. Theek hai? I'll show it to you how DVD drive can be removed. See, it can remove na. This is DVD drive. ऐसी ही आपकी floppy drive भी होती है. See ये देखिए यहाँ पे, ठीक है. There is another disk drive called the hard disk. एक और disk drive भी होती है जिसको हम hard disk बोलते हैं, जो आपकी system unit के अंदर होती है, ठीक है. The hard disk can store as much information as thousands of floppy disk. जितनी एक फ्लॉपी डिस्क आपका स्टोर करती है ना, अगर आप ऐसी 1000 फ्लॉपी डिस्क अगर करते हैं तो वो एक अकेली हार्ड डिस्क स्टोर कर लेती है इतनी, ठीक है. तो हार्ड डिस्क की स्टोरेज होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज आराम से आ सकता है. ये देखिए सारे आपके सिस्टम यूनिट के आपकी डिवाइसेज है, ड्राइव से ये सारी की सारी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोसेसर. द प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. जो प्रोसेसर होता है वो आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है. जैसे आपके ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन होता है वो वर्क करता है कि किसको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है. सेम आपका ब्रेन भी, कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो प्रोसेसर को बोलता है, दैट इज CPU, वो भी वही काम करता है, ठीक है. प्रोसेसर क्या बोलता है कंप्यूटर करने के लिए, वॉट टू डू, क्या करना है, वैन टू डू इट, कब करना है, विच टास्क आर मोर इम्पॉर्टेंट, कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द प्रायोरिटीज ऑफ द टास्क दैट द कंप्यूटर नीड्स टू परफॉर्म. तो मतलब जैसे बहुत सारे टास्क एक साथ आपको मिले हुए हैं, उन टास्क में सबसे पहले कौन सा करना है, कौन सी प्रायोरिटी आपकी फर्स्ट है, वो कंप्यूटर को बताता है प्रोसेसर, ठीक है. इस स्ट्रक्चरल डायग्राम को आप पढ़ना एक बार, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. जो हमने अब तक जितना भी पढ़ा है सारा इसमें दे रखा है, ठीक है, बहुत शॉर्ट में दे रखा है, बहुत अच्छे समझ में आपको आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी यूनिट्स. अ डिवाइस दैट प्रिजर्व्स इन्फॉर्मेशन फॉर रिट्रीवल इज कॉल्ड द मेमोरी डिवाइस. मेमोरी डिवाइस मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करना, ठीक है, बाद के लिए भी, ठीक है. तो वो आपका है मेमोरी डिवाइसेज में, वही होती है आपकी स्टोरेज करना मतलब, ठीक है. ऑल द कंप्यूटर्स रिक्वायर स्टोरेज स्पेस. हर कंप्यूटर को स्टोरेज स्पेस की जरूरत होती है, मेमोरी की जरूरत होती है प्रोग्राम को रन कराने के लिए. और जो फाइल्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है, ठीक है. उन फाइल को कहीं स्टोर कराने के लिए, प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए हर कंप्यूटर को स्टोरेज की जरूरत होती है. मोस्ट कंप्यूटर्स हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज विच कैन स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड. ज़्यादातर जो कंप्यूटर होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं स्टोरेज डिवाइसेज का, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डाटा इंस्ट्रक्शन को आप स्टोर कर सकते हो. तो मेमोरी कितने दो तरह की होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी. सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में. इट इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU. ये CPU से डायरेक्टली क्या कहते हैं स्टोर करती है, ठीक है. ये डायरेक्ट एक्सेस लेती है के CPU से. दिस इंक्लूड सेवरल टाइप्स ऑफ मेमोरीज में और इसमें और भी आगे फर्दर डिवाइड कर रखा है इसको आगे, ठीक है. जैसे कि प्रोसेसर है, कैशे है, सिस्टम रोम है, ठीक है. ज़्यादातर इन मोस्ट केसेस प्राइमरी मेमोरी रेफर्स टू द रैम. ज़्यादातर प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, रैम में स्टोर होती है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी जनरली क्या करती है, ये भी स्टोरेज के लिए ही काम आती है. लेकिन प्राइमरी मेमोरी जो है एक तो टेम्परेरीली स्टोर करती है, मेन मेमोरी होती है वैसे ये, ठीक है. जो सिस्टम के जो मेन आपके जो आपका सिस्टम का होता है ना स्टोर, वो इसमें ही होता है. कैश वगैरह जितनी भी चीज़ें दे रखी, जितने भी आप अपने प्रोग्राम्स यूज करते हैं, उन सब का डाटा इसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी. रेफर्स टू स्टोरेज डिवाइसेज सच एज हार्ड ड्राइव्स. ये क्या होता है, ये स्टोरेज डिवाइसेज को रेफर करती है, मतलब जिसमें ज़्यादा डाटा आपको स्टोर करना पड़ता है उसको स्टोर करती है ये, ठीक है. इट मे ऑल्सो रेफर्स टू रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया. इसको हम रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ही क्या होता है इसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है. CD है, DVD है, पेन ड्राइव है, ये सारा आपका रिमूवेबल स्टोरेज होता है, ठीक है. ये आप इसको आराम बाहर भी निकाल सकते हैं. सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU. ये CPU से डायरेक्टली नहीं कुछ भी लेती है, ठीक है. इंस्टेड इसकी जगह क्या होता है, डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इज फर्स्ट लोडेड इनटू रैम. सबसे पहले क्या होता है, जो डाटा होता है वो रैम में स्टोर होता है, उसके बाद प्रोसेसर के अंदर जाता है, ठीक है. तो मतलब ये कैसे लेता है, सेकेंडरी मेमोरी सबसे पहले क्या करता है, डाटा जो लेता है सेकेंडरी मेमोरी से लेके लोड करता है रैम के अंदर, फिर उसके बाद प्रोसेसर के अंदर इसको भेजता है. I hope I will clear myself to you, but even if you have any queries regarding this chapter, you can ask me in the comment section below or you can WhatsApp also. Thank you so much and take care.